हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू डे न्यू व्लॉग। अनि गाइस, सोलो ब्लॉग भइरहेको थियो मेरो, त्यहाँबाट मैले तपाईहरुलाई एउटा नयाँ काम को सुरुवात गर्ने भनेर अयोध्या यात्रा गरे, एउटा नयाँ कन्टेन्ट। देन आफ्टर केही समयपछि मैले फेरि म्याजिक ब्लॉग ल्याए, नयाँ कन्टेन्ट हैन। सो एउटै कुरा मान्छेलाई हैन हेरिराख्दाखेर बोर हुन सक्छ, हैन? तपाईलाई एउटै कुरा गरिराख्दाखेर बोर हुन सक्छ, अनि त्यो बोर भएको समयमा चाहिँ पुनर्ताजगी, हैन, रिल्याक्सिङ, रिल्याक्सेबल, इन्जॉयमेन्ट टाइपको भिडियो पनि बेला बेलामा आइरख्यो भने त्यो बोर भएको बेलालाई चाहिँ रिल्याक्स तरिकाले चाहिँ इन्जॉयमेन्ट गर्नको लागि त्यसले सहज वातावरण चाहिँ निर्माण गर्दछ भन्ने उद्देश्यले गाइड्स आज मैले एउटा छुट्टै भिडियो पस्किने प्रयास गरेको छु। आई होप तपाईलाई रमाइलो पनि लाग्ने छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्ने छ, अनि भिडियोकै थ्रुले भए पनि रिल्याक्स फिल हुने छ भन्ने हेतुले मैले एउटा सानो प्रयास गरेको छु। सो मजाले हेर्दिनु होला, अनि भिडियोको एन्ड पनि यसैलाई मानदिनु होला, किनभने यसपछि म केही बोल्ने छुइन। आज मैले ब्लगलाई छुट्टै तरिकाले दिने प्रयास गरेको छु गाइस। सो के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिनु होला, नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर फुर्के फ्यामिली पनि बनदिनु होला, हैन? अनि मेरो यो कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो त्यो पनि प्रतिक्रिया दिनु होला, अनि यदि तपाईलाई मन परेछ भने म फेरि यस्तै किसिमको नयाँ रोचक, हैन, ल्याउने छु, इन्ट्रेस्टिङ रिल्याक्सेबल चीज ल्याउने छु। सो मैले रिल्याक्स भनिरहेको छु, यो के हो भन्ने कुरा तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लागिरहेको होला, हैन? सो ध्यान दिएर हेर्नु होला, भिडियो धेरै लामो पनि छैन, थोरै छोटो मिठो छोटो छ, मिठो छ, आई होप तपाईलाई मन पर्छ होला भन्दै अहिले छुट्टिन्छु। ल, मजाले हेर्नु होला, इन्जॉय गर्नु होला, अनि त्यसपछि कमेन्टमा कुरा गरौँ है त गाइज। ल, देखता है यहाँ पे, इधर आइए, इधर इधर नहीं खुले, कहाँ बैठे? और किए थे यार एक डेढ़ महीना पहले, वो एक अंकल है ना, वो कान बनाने वाले ऐसे है ना, एक अंकल दाढ़ी वाले, कहाँ पर थे? यही विराटनगर बस पार्क में। काम तो देना भैया, काम तो मैंने धुलाई करा दी। कहाँ पर? काम में जाली होता ना, जाली अगर ये निकलेगा ना अपना लंबा निकलेगा, नहीं पड़ता ना हल्का मुँह खोलो, ये तो है ना, ए ए ए मैं चीज आपको यही अंदर से निकलता नहीं, अगर निकलेगा ना अभी इतना मोटा निकलेगा अंदर से, पूरे जाम है गाना आपका भाई, बोलेगा ना तुमने इसको निकाल लेंगे, अगर अभी धो देंगे ना पूरे अंदर से निकलेगा, कहाँ पूरे हवा हो जाएगा उसका, कितना रुपये? कोई ज़्यादा नहीं पड़ता भैया, निकलेगा तब तक कितना है तो बोलिए ना, पहले निकलेगा तो तुम जो है आगे रोक यहाँ देना भाई, बाप रे, ये जो है ना नाग मासा निकलेगा तो पूरे काना क्लियर हो जाएगा आपको, अरे बोलेगा तो अभी निकाल का ना, अभी अभी तो पैसा नहीं है, बरखर आए हैं कि काम करने के लिए, अरे साफ करने का पैसा होता ना 50 रुपया, मतलब कि नहीं लगेगा? नहीं नहीं अभी नहीं है, पैसे नहीं है, अरे निकलेगा तब देखना, निकाल के आपको दिखाते हैं। नहीं निकल गया तो पैसा देना पड़ेगा, अरे नहीं मिला के दे देना, नहीं अभी नहीं है भैया, देखिए वो आप 50 रुपया होता ना, नहीं भैया तो निकलेगा, वो तो समझ गए कि क्या है कि अभी 100 रुपये ही कमाए हैं, बरखर घर से निकले हैं, तब देखो, नहीं भैया आपको अब झूठ बोल के क्या फायदा है, वो पैसा भी तो देना पड़ेगा, ₹200 अभी पैसा नहीं है ना, होता तो क्या बात है,
अच्छा निकाल के दिखाते हैं ना, ठीक है ना, निकलेगा तब जो ना 85 बनने दीजिए 250 रुपये मुँह खुला करो, आकर 250 रुपये मुँह खुलो सब मिला 250 जान से का पैसा नहीं है, इतना पैसा था कि फेंक दीजिएगा भैया, पैसा नहीं है ना अभी, वही तो बोल रहे हैं तब देखते ना भैया तब पैसा नहीं, आपको 100 रुपये दे देंगे साफ करने का, ऐसे 50 रुपये जैसे 150 होता है 100 रुपये दे देंगे, 100 रुपये दे देंगे, नहीं भैया वो बल 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 यही साफ कर दीजिए 50 वाला ही डाल दिए निकाल कर आपको हाथ में देखा रहे, वो तो समझ गए ना, पैसा तो होना चाहिए ना, वो तो ऐसे तब पैसा दीजिएगा सारा ऐसे ही तो बोलो, फिर बाद में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में दीजिएगा बता दो भैया वो बता दो क्या है ये, सुन हो गया कड़े आपको, मेरा ही कान से निकला है ये, हमारा कान से निकला है, अरे बहुत विश्वास नहीं हो रहा है यार, ये सब कराया ना वही तो 1.5 महीना पहले कराए थे भाई, बुढ़वा किया था बुढ़वा, हाँ वही तो बुढ़वा कहाँ की जो तो नहीं बार बार कर देते हैं ना, तो इसका काम था के पूजा करनु भो ओके बहन रुक जा, रुक जा, तो पूजा न गर्नु क्या, तो 12 बजे पछि न गर्नु क्या, 11 बजे पछि क्या त दिएर 6 दिन टीका पर्दैन कि, अफ टाइममा राम्रो हुँदैन के, उल्टा आट भइहाल्यो त यहाँ, बाहिर खाना साना खाइहालेपछि अलि राम्रो हुँदैन, मैले तपाईँलाई अस्ति नै भनेको थिएँ त, सब दिन आते हैं इधर, नहीं सब दिन नहीं आते, एक दिन दो दिन में बताते हैं, वैसे तो कराए थे 1.5 महीना पहले, फिर भी सोचे करा लेते हैं क्या है, तो कैसा पानी है कि क्या है डाले जो कान में, देखिए आपको लगता है झूठ बोलता होगा, देखिए इधर इधर आइए, देखिए यही है कमाई, जस्ट घर से आए इतनी नहीं कमाई सर, झूठ क्यों बोलेंगे, आप ही कमाने वाला आदमी है, हम भी कमाने वाले आदमी हैं, लीजिए रखिए खुशी से, ठीक है खुशी से रखिए, मेरा भी कमाने है आपका भी नहीं है, हो गया आपको बुलाए थे बैठेगा बोल के, लेकिन आप आपका सेवा हम कर दे, हम लोग का भी सेवा आप करना किसी दिन बैठ के जाना, ठीक है
आपका क्या नाम हुआ बोल दीजिए? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद, विनोद कुमार पासवान। ठीक, ये काम अच्छा है बहुत। घर परिवार चलाना, हाँ करना पड़ता है। देखिए हमको पता है, इसीलिए आपको बुलाया है ना। गाइस कान सफा करियो, बजी रहा थे फिर से दौड़ने निस्क्यो। होने चाहिए साथी हरले मुर्गा से बनाई हाल से एक छन में गप सप दिए 50 रुपये में कान सफा करने, तर गप दिए घरी आज तेज दिए है अब उसे जी भी कान सफा कर दी कान कस्त फोहर थी अलग हेन भाई है सफा पारदे कान लोर दिने पर्ने हो ठीक है। अब 250 भन्दै पहिला तो 350 भन पछि 250 भन 160 रुपये दिए सब कर 160 रुपये दिए। इसमें कान सफा भो अब आप होते ब्लड निस्किन रिस्क हो अब उधर जाने को उधर प्रोफेशनली होता कराएं जो राम हो काम सफा भर ल अब काम करूर्स।